खबरें। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 15 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। लगाने के लिए पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। लोग कोविन ऐप पर इसके लिए लगातार पंजीकरण करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना, नौसेना और रेलवे विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गोवा में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में भी कोरोना पर काबू के लिए 84 घंटे तक लॉकडाउन लगाया गया। विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल में कल संपन्न अंतिम चरण के चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व अटॉर्नी जनरल पद्म विभूषण सोली सोराबजी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके निधन से विधि और न्याय के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। भागलपुर से पटना जा रही एक यात्री बस मुंगेर लखीसराय NH-80 के डकरा नाला के पास पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार सहित दक्षिण पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। कवि कुंवर बैचैन का नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में मुरादाबाद के उगड़ी में हुआ था।